नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फंक्शन सीरीज का पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो ज़रूर देखें। ये फंक्शन सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि नो आर्ग्यूमेंट यस रिटर्न टाइप का फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा नो आर्ग्यूमेंट यस रिटर्न टाइप का फंक्शन है, यानी कि इस तरह का फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो यूजर से कुछ नहीं लेगा, बट कॉलिंग के बाद कुछ न कुछ रिटर्न करेगा। तो आइए इसको हम लोग सी टर्बो सी के प्रोग्राम पे करके देखते हैं। ये टर्बो सी का प्रोग्राम बना हुआ है, एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम है ये। इसको रन करेंगे, ये सिंपल एडिशन का प्रोग्राम है और ये विदाउट फंक्शन है, रन कर रहा है। अब हम लोग इसको फंक्शन के थ्रू करके देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम फंक्शन पे वर्किंग करते हैं तो सबसे पहले डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन चूंकि रिटर्न टाइप का है तो इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का रिटर्न हमें देगा, इसलिए हमने डेटा टाइप इंट लगाया। फंक्शन का नाम ऐड ले लेते हैं, एट, और ये फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पे हमें ब्लैंक छोड़ना होता है। यहाँ पे हमें कोई वैल्यू पैरामीटर पास नहीं करनी होती है, कुछ भी हमें बताना नहीं होता है। अब चूंकि ये सिर्फ रिटर्न करेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा नहीं, तो हमें इन नंबरों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक रिसीवर चाहिए जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर हो सके, और ये भी नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब वैल्यू हमें पास नहीं करनी है तो जब हम रन करेंगे तो फंक्शन की बॉडी में ही वैल्यू हमें देनी होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलिंग सेक्शन सी इक्वल्स टू एट, और हमने कुछ पास नहीं किया। अब जैसे ही ये कॉलिंग सेक्शन रीड होगा तो फंक्शन तुरंत डेफिनेशन सर्च करेगा। आइए डेफिनेशन डिक्लेयर करते हैं। ये फंक्शन बन गया हमारा, इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। ये 11 रिजल्ट आ गया। अब आइए इसको समझते हैं एक बार, ऊपर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये पूरा हमारा डिक्लेरेशन सेक्शन है ये। अब डिक्लेरेशन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि रिटर्न हमें चाहिए तो हमने रिटर्न टाइप बताया इंट, यानी कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और फंक्शन का नाम दिया एट, और इसमें आर्ग्यूमेंट में मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा, यानी कि इसमें हमें कोई वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे पास नहीं करनी है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा रिटर्न होके, वो हम सी में स्टोर करेंगे। अब चूंकि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट का है तो हमें यहाँ पे कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करेंगे। अब जब फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो तुरंत फंक्शन की बॉडी में आएगा, यहाँ पे बॉडी सर्च करेगा, और बॉडी में आने के बाद ये क्या करेगा, जैसा टास्क इसको बताया गया है वैसा टास्क परफॉर्म करेगा। बॉडी में आएगा यहाँ पे, बॉडी में आने के बाद ये देखिए तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे
एक्स और वाई में वैल्यू इनपुट करानी है, चाहे तो यहाँ यूजर से आप लोग प्रिंट एफ स्कैनफ का यूज करके इनपुट करा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू डायरेक्ट असाइन की हुई है। अब यहाँ पे जेड में दोनों ऐड हुए और जेड को हमने रिटर्न करा दी। अब जेड जब यहाँ से रिटर्न होके आएगा तो ये सी में रिसीव होगा, यहाँ से जेड रिटर्न होके आएगा, ये सी में रिसीव होगा और वापस सी को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी और हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो इसको फिर से एक बार रन करा के देखते हैं, कंट्रोल F9, ये 11 हमारा रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों ये ओनली रिटर्न टाइप का फंक्शन था और इसके आगे हम लोग और अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।